सोने के गणपति अच्छा और हर एज के लोग करें, ऐसा नहीं है कि कोई यंग है वही कर सकता है। अब वापस चल रहे हो? ये फैमिली राइड है, फैमिली राइड, इसमें पूरी फैमिली बैठ के जाती है। यहाँ से उतरेगा कैसे? यहाँ रिजॉर्ट में चार्जेस क्या है? एसी नॉन एसी आए कौन सा है? नाम क्या है? मंडल एक ये है करली नदी, कितना सुंदर पानी है इसका।
नहीं हिंदी हिंदी। इस बोट का नाम है जय गणेश प्रसाद और मेरा नाम मिलिंद कुबल है। आपकी जो बोट सफर चलो ना वो देवबाग जेटी से देवबाग संगम तक है। आपके बैक साइड को प्लेन वाटर दिख रहा है, वो बैक वाटर करली रिवर का है, करली खाड़ी का पानी है। वो उधर का स्लोक माउंटेन दिख रहा है पीछे वाला, वो कुडाल तालुका है। कुडाल तालुके से बहती हुई करली रिवर आती है इधर आके मालवन तालुके के तारकरली देवबाग को, इसको करली का खाड़ी बोलते हैं। क्योंकि अरेबियन सी का जो हाईटाक का पानी रहता है ना वो मीठे पानी में करली रिवर में मिक्स होता है। देवबाग संगम से तकरीबन 25-30 किलोमीटर का ये बैक वाटर करली खाड़ी एरिया है। करली खाड़ी करली रिवर नहीं तो करली खाड़ी में आके अरेबियन सी को इधर कनेक्टिविटी है। ये पूरा देवबाग संगम का लोकेशन है। मालवा तालुके से तकरीबन 12 किलोमीटर का देवबाग बीच है उस तरफ, और इस तरफ ये देवबाग संगम का लोकेशन है। इसलिए ये देवबाग संगम के बाहर ना ओपन अरेबियन सी का लोकेशन, उधर पैराशूटिंग राइड चालू है। हाँ 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 वो दिख रहा है, बहुत बहुत रेयर पार्ट है वो बोट का ही ना। बेटर है संभल के बस। वो देवबाग संगम के बाहर पैराशूटिंग का राइड चालू है ना, वो पूरा डॉल्फिन पॉइंट का लोकेशन है। मॉर्निंग सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक डॉल्फिन पॉइंट का लोकेशन रहता है। डॉल्फिन दिखने के चांसेस अर्ली मॉर्निंग में रहते हैं, सुबह 1 बजे से सुबह 6:30 बजे तक। वो देवबाग संगम का बाहर ओपन अरेबियन सी का लोकेशन रहता है ना, डॉल्फिन पॉइंट है। डॉल्फिन पॉइंट का लोकेशन अर्ली मॉर्निंग सुबह 1 बजे से 6:30 बजे तक, देवबाग संगम के जितने भी छोटे बोट रहते ना उनका बोट फिशिंग रहता है। और समुद्र के किनारे पे सुबह के टाइम जाल फेंकते हैं, जाल फेंकने के बाद जो मछली अटकती है उसको खाने के लिए डॉल्फिन आती होंगी समुद्र के किनारे पे आती है। और डॉल्फिन का दिखने का चांसेस अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से 9 बजे तक रहता है। बाद में डॉल्फिन दिखेंगे तो हर एक कस्टमर के लग बाय चांस के ऊपर डिपेंड रहता है। तब तक पूरब से सूरज की किरणें समुद्र के पानी पे फैलती है और पूरा पानी गर्म होता है। बाद में डॉल्फिन समुद्र के किनारे से वापस चले जाते हैं। माउंटेन के नीचे नारियल के पेड़ भी जो वेंगुले तालुके का भोगवे गाँव है। भोगवे गाँव में मराठी मूवी श्वास का शूटिंग 2002 में हुआ है। ये पूरा भोगवे बीच है। कौन सी फिल्म? ये पूरा भोगवे बीच है, मराठी मूवी। अच्छा मराठी मूवी, मराठी एक्टर अरुण नलावडे थे। अच्छा वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ था ना छोटे बच्चे का श्वास। अच्छा मूवी मूवी हो गई 2002। अच्छा माउंटेन के नीचे नारियल के पेड़ भी है ना, उसके अंदर भुगवे गाँव है। अच्छा बस्ती है ज्यादा और खेती गाँव है उधर, वो जो भी दिख रही है वो रिसोर्ट है, वो रिजॉर्ट है। अजय नारियल के पेड़ के पीछे रिजॉर्ट भी है।
वही बोट आई, दूसरी बोट नहीं वो दूसरी है ना, स्पीड वाली पैरासेलिंग की। ये स्पीड बोट है पैरासेलाइडिंग की, जो हाई स्पीड से चलती है। मिलिंद मिलिंद अच्छा, इन्होंने हमको बहुत अच्छे से